वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का वीडियो हमारे हिस्ट्री एस्पेशल का पार्ट 4 है। आज वीडियो में हम बताएंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है। यानी प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें किन किन चीजों से जानकारी लेनी पड़ती है, ठीक है। यानी प्राचीन इतिहास को किस आधार पर पढ़ा गया था, तो यही है आज का टॉपिक मेरा होगा कि प्राचीन इतिहास के स्रोत, मतलब प्राचीन इतिहास जानने के लिए हमें किन किन चीजों की सहायता से प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन इतिहास के स्रोत यहाँ हो जाएगा सोर्सेस ऑफ एनिशियंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन इतिहास के स्रोत। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री में कि हिस्ट्री को क्लासिफाई 3 पार्ट में किया गया था, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। हम बताए थे कि प्री, प्रोटो और हिस्टोरिकल पीरियड के लगभग फर्स्ट पार्ट तक को हम सबका सब क्या करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, फिर क्या हो जाएगा मेटल एज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत पढ़ेंगे, उसमें वो क्या होता है जिससे गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये सब का सब क्या होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में बता ही दिए थे कि एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ कहाँ तक पढ़ना पड़ता है। अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछले वीडियो को देखें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम क्लासिफाई करके बता चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से इसका रिसोर्स क्या क्या है, ठीक है, कि प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या क्या है। ओके, देखो पहले हम प्राचीन इतिहास के स्रोत में हो जाएगा कि पहला है कि प्राचीन इतिहास को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्रोत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कि लिटरेरी सोर्सेस, मतलब साहित्यिक स्रोत। दूसरा हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरा हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल का मतलब यह होता है कि कुछ ना कुछ क्या हुआ कि हम फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का गठन जो किया गया था वो अंग्रेज के द्वारा किया गया था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब क्या किए गए थे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का गठन किया गया और उस डिपार्टमेंट के द्वारा प्राचीन अवशेष को खुदाई कर करके उसको क्या किया गया, बताया गया कि ये इतना पुराना है, ये इतना पुराना है, ठीक है। अब यहाँ है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब ये होता है कि इसमें हम सबसे पहले धार्मिक और गैर धार्मिक, ठीक है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके बाद वेद, ये सब के बारे में जो पढ़ते हैं लिटरेरी सोर्स, साहित्य स्रोत में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि कुछ ना कुछ खुदाई से जो मिला है उसको क्या पढ़ते थे, पुरातात्विक स्रोत में पढ़ते थे। ओके, अब देखिए तो हम यहां बता दिए कि स्रोत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट है लिटरेरी सोर्सेस, मतलब साहित्यिक स्रोत। दूसरा होता था पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा पार्ट है विदेशी यात्रा विवरण, मतलब हमारे इंडिया में कुछ कुछ क्या थे, दूसरे देश से विदेशी आए थे, वो इंडिया में रह के कुछ ज्ञान प्राप्त करके और अपना क्या थी यात्रा वृत्तांत लिखे थे, मतलब आने से जाने तक में वो इंडिया में क्या क्या किए थे वो पुस्तक में लिखे थे, उसी को बोलते हैं विदेशी यात्रा विवरण, विदेशी यात्रा वृत्तांत। ओके, जैसे यहाँ पे मतलब क्या क्या था, चीन से आया था पहयान आया था, इचिंग आया था, अब यहाँ अरब से ये मतुका आया था, कुछ और भी हिस्टोरियन थे जो क्या थे किसी दूसरे देश से भारत आए थे और इंडिया में क्या था कि अपने बारे में मतलब कुछ कुछ पुस्तक लिखे थे, ठीक है। और इंडिया के क्या क्या समुदाय में राजा कौन थे, वो क्या करते थे, उनका विशेषता क्या था, सब अपने अपने पुस्तक में लिखे थे, यात्रा वृत्तांत में लिखे थे, वही था कि विदेशी यात्रा विवरण, ठीक है। इस तरह प्राचीन इतिहास के स्रोत को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है साहित्यिक स्रोत, दूसरा पार्ट है विदेशी यात्रा का विवरण और तीसरा पार्ट है पुरातात्विक स्रोत। अब हम देखिए पहला पार्ट को क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है रिलीजियस सोर्सेस और दूसरा पार्ट है नॉन रिलीजियस सोर्सेस, मतलब धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत, ठीक है। धार्मिक स्रोत का मतलब क्या हुआ, जिससे हमको क्या धर्म के बारे में पता चलता है, उसको बोलते हैं धार्मिक स्रोत। और दूसरा क्या, गैर धार्मिक स्रोत, जिससे क्या धर्म के बारे में पता नहीं चलता है, जिससे क्या हुआ किसी ना किसी का जीवनी पता चलता है, यानी कोई ना कोई राजा के बारे में कहानी पता चलता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिलीजियस सोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ है
कि रिलीजियस सोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कि ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, ब्राह्मणी लिटरेचर, दूसरा हो जाएगा नॉन ब्राह्मणी लिटरेचर, मतलब ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्म नेतर साहित्य, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्म नेतर साहित्य। ओके, अब यहाँ है कि ब्राह्मण साहित्य में हम क्या क्या पढ़ते हैं और ब्राह्म नेतर साहित्य में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पहले वो देखेंगे। ठीक है, पहले देखिए ब्राह्मण साहित्य में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ब्राह्मण साहित्य में हम पढ़ते हैं वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, आरण्यक के बारे में, वेदांत के बारे में, ठीक है, पुराण के बारे में, ये सब पढ़ते हैं कहाँ पे, ब्राह्मण साहित्य में। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है कि ब्राह्म नेतर साहित्य, मतलब ब्राह्मण साहित्य के बाद वाले समय में, ठीक है, तो उसमें पढ़ते हैं बुद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में। ठीक है, इस तरह लिटरेचर मतलब साहित्यिक स्रोत को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत का दो पार्ट, धार्मिक और अधार्मिक, धार्मिक का दो पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मण और ब्राह्म नेतर। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा दूसरा पार्ट है विदेशी यात्रा वृतांत। ठीक है, विदेशी यात्रा वृतांत में हम बता दिए थे कि हमारे इंडिया में दूसरे देश क्या करते, विदेशी यात्री भारत आते थे, भारत आने के क्रम में और जाने के क्रम में वो जो जो भारत में देखते थे उसको अपने क्या करते थे, पुस्तक में लिखते थे, कंपाइल करके क्या करता था वो लिखते थे, उसी को बोलते विदेशी यात्रा वृतांत। ठीक है, विदेशी यात्री द्वारा जो जो क्या किया गया कि पुस्तक लिखा गया या जो कथन बताया गया है उसी को बोलते हैं विदेशी यात्रा वृतांत। ठीक है, अब यहां है कि रिलीजियस सोर्सेज जो था गैर धार्मिक स्रोत, इसको क्या करते, इसका कौन कौन सा पार्ट है। पहला पार्ट है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब ये था वैसा ग्रंथ जिसे क्या करता है बहुत पहले के समय की जानकारी के बारे में पता चलता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई यात्री आए जिन्हें कोई भारत में ही कोई कवि है जिसे क्या करते कि जो इतिहास के कुछ पार्ट को लिख के जमा रख दिए उसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि जीवनी ग्रंथ, जिसमें क्या होता है किसी राजा की जीवनी को बताया गया है। ठीक है, उसको जीवनी ग्रंथ बोलते हैं। तीसरा है गल्प साहित्य। गल्प साहित्य भी क्या करते हैं, इसीलिए हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलता है। ओके, और तीसरा पार्ट है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसा कि पता है आप लोगों को कि पुरातात्विक विभाग का गठन इंडिया में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। अंग्रेज जब भारत में आए तब क्या किए थे, वही हिस्ट्री मतलब भारतीय इतिहास का फादर उसी को बोला जाता, लेकिन किसी एक आदमी ने नहीं किया था इसलिए क्या बोलते हैं कि किसी एक को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री नहीं बोलते। ठीक है, इसका फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में मैंने बता दिया था कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसी खास आदमी को क्यों नहीं बोला जाता। पुरातात्विक स्रोत में फर्स्ट पहले पढ़ते, पहला है स्मारक। स्मारक में हम मंदिर मस्जिद और अलग इसके अलावा और भी क्या है कि स्थल के बारे में पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत में। सेकेंड है सिक्का के बारे में, सिक्का और थर्ड है मूर्ति के बारे में। सिक्का से किसी राजा की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, अगर किसी का राजा का आर्थिक स्थिति ठीक है बहुत अच्छा था तो उसके दरबार में सोने और चांदी का सिक्का चलता था। अगर किसी राजा का आर्थिक स्थिति का था कि मजबूत नहीं कमजोर था तो उसका सोने और चांदी का सिक्का के अलावा क्या मिट्टी का सिक्का चलता था। मिट्टी का सिक्का नहीं, मान लीजिए कि तांबे का सिक्का, शीशे का सिक्का। ठीक है, अब यहाँ है मूर्तियां। मूर्तियां से भी क्या करता है हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लास्ट है मोहरे, फोर्थ और फिफ्थ है अभिलेख। ठीक है, फिफ्थ है अभिलेख। इस तरह से प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या है कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसी से हमें एनिशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। एनिशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है।